और उसके बाद जब आपके डाउट्स आते हैं तो आप डाउट्स के लिए क्या करो, अपनी एक मंडली बनाओ। आप टीचर से डाउट पूछ सकते हो, मे बी टीचर आपको आंसर नहीं दे, वो बिजी है कहीं और, तो आपकी एक ऐसी मंडली होनी चाहिए, दोस्त, इसको फ्रेंड सर्किल कहते हैं। फ्रेंड सर्किल भी सोच समझ के बनाओ, समझ में आता है? तो आप अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, आपके हर तरह के फ्रेंड होने चाहिए, उनमें आपके समझदार दोस्त भी होने चाहिए जो इंटेलिजेंट हो, इसलिए कहते हैं कि सब अच्छा बोलो, है ना, बुरा बोल के किसी को दोस्त कैसे बना लोगे। तो इन दैट केस आप लोग क्या करना है, अपने फ्रेंड से, टीचर से जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, लूप होल्स हैं, उनका जाके डिस्कस करो और कम से कम सारे डाउट क्लियर करो, क्योंकि डाउट दिमाग में रह गए तो फिर आप उसी डाउट पे अटकोगे बार बार, और कल को वो एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे। 9th पॉइंट है, कीप काम एंड स्टे मोटिवेटेड ऑलवेज। हमेशा याद रखो, इस वीडियो को सेव कर लो, क्योंकि मैंने इसके अंदर आप लोगों को पूरी कोशिश की है मोटिवेट करने की। कुछ भी नहीं दिमाग में आया तो एक चीज याद रखना, आपके माँ बाप आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए याद रखो कि हाँ मुझे मेरे माँ बाप के लिए करना है। मेरे पापा सुबह निकलते हैं, शाम को वापस आते हैं, मम्मी मेरे लिए किचन में खाना बनाती है ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं, तो मेरी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं भी उनके लिए कुछ करूंगा या करूंगी।